13 दिसंबर 2020 का राशिफल। आज का पंचांग। आज की तिथि चतुर्दशी 24:46-54 तक। आज का नक्षत्र अनुराधा 25:40-52 तक। आज का करण विष्टि 14:20-21 तक। शकुन 24:46-54 तक। आज का पक्ष कृष्ण। आज का योग सुकर्मा 8:16-18 तक। धृति 28:29-31 तक। आज का वार रविवार। आज का सूर्योदय सूर्यास्त और चंद्रोदय चंद्रास्त का समय। आज का सूर्योदय 7:05-17 तक। आज का सूर्यास्त 17:25-45 तक। आज का चंद्रोदय 30:29-00 तक। आज का चंद्रास्त 16:17-00 तक। आज की चंद्र राशि वृश्चिक। आज का हिंदू मास एवं वर्ष शक संवत 1942 शार्वरी विक्रम संवत 2077 काली संवत 5122। आज का दिन काल 10:20-28 मास अमांत कार्तिक मास पूर्णिमांत मार्गशीर्ष। आज का शुभ समय 11:54-50 से 12:36-11 तक। अशुभ समय अशुभ मुहूर्त दुष्ट मुहूर्त 16:03-01 से 16:44-23 तक। कुलिक 16:03-01 से 16:44-23 तक। कंटक 10:32-06 से 11:13-28 तक। आज का राहु काल 2:16:08-11 से 17:25-44 तक। कालवेला अर्ध्या 11:54-50 से 12:36-11 तक। यमघंट 13:17-33 से 13:58-55 तक। यमगंड 12:15-30 से 13:33-04 तक। गुलिक काल 14:50-37 से 16:08-11 तक। आज 13 दिसंबर 2020 को है मासिक शिवरात्रि। शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे में इस बार साल 2020 की आखिरी शिवरात्रि में 13 दिसंबर रविवार अमावस्या को शिवरात्रि मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन लोग काफी शुभ मानते हैं। यह पर्व न केवल उपासक को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करता है बल्कि उसे क्रोध ईर्ष्या अभिमान और लालच जैसी भावनाओं को रोकने में भी मदद करता है। मासिक शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार साप्ताहिक त्योहारों में भगवान शिव को सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। मासिक शिवरात्रि पूजा की विधि। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती और भगवान गणेश कार्तिकेय और नंदी की पूजा करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अभिषेक के दौरान भगवान शिव की प्रिय चीजों का भोग लगाएं और शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप करें। वहीं शिव पूजा करते समय आप शिव पुराण शिव स्तुति शिव अष्टक शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। वैसे तो साल में एक बार मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी वर्ष में कई शिवरात्रियां आती हैं, जिन्हें प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं।
दरअसल हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का अपना अलग ही महत्व है, जहां शिव के भक्त साल में एक बार बड़ी ही धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं। वहीं भोलेनाथ की आराधना में प्रत्येक महीने एक मासिक शिवरात्रि मनाने की भी परंपरा है। शिवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे न केवल एक या दो क्षेत्र के लोग मनाते हैं, बल्कि पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। 13 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। मासिक शिवरात्रि 23:45 से 0:36 तक शुरू 13 दिसंबर को प्रातः 3:52 व समाप्ति 14 दिसंबर रात्रि 0:44 तक। मासिक शिवरात्रि का महत्व। शिवरात्रि के व्रत की महिमा से तो सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत भी बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि में व्रत, उपवास रखने और भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत करने से हर मुश्किल कार्य आसान हो जाता है और जातक की सारी समस्याएं दूर होती हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन की महिमा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो कन्याएं जो मनोवांछित वर पाना चाहती हैं, इस व्रत को करने के बाद उन्हें उनकी इच्छा अनुसार वर मिलता है और उनके विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत विधि। हर महीने आने वाले इस पर्व को प्रत्येक संप्रदाय के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। हम में से कई लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं। वो भक्त जो मासिक शिवरात्रि करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मासिक शिवरात्रि का प्रारंभ महाशिवरात्रि के दिन से करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को शिवरात्रि की रात को जागकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि पूजा विधि के बारे में विस्तार से। मासिक शिवरात्रि वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। अब आप किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी की पूजा करें। सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से करें। ऐसी मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र अच्छी तरह साफ किए होने चाहिए। अब आप भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदि से पूजा करें। शिव पूजा करते समय आप शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। संध्या के समय आप फलहार कर सकते हैं। उपासक को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदि करने के बाद अपना उपवास खोलें। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत और उसका उद्यापन विधिवत तरीके से किया जाना चाहिए। शिवरात्रि के पूजन समय मध्य रात्रि के समय होता है। भगवान शिव की पूजा रात को 12 के बाद करें और पूजा के समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से उपासक की आर्थिक परेशानी दूर होती है। यदि कोई भी सच्चे मन और पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा और उनका स्मरण करेगा, उसे मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। आपको बता दें कि इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करने की अधिक महिमा होती है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह भी कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा व्यक्ति को हर तरह के कर्जों से मुक्ति दिलाती है। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। जिस तरह हर व्रत आदि के पीछे कोई न कोई कथा होती है,
वैसे ही मासिक शिवरात्रि करने के पीछे भी एक कथा है। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने उनकी पूजा की थी। उस दिन से लेकर आज तक इस दिन को भगवान शिव जन्म दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शिव पूजन का खास महत्व है। बहुत से पुराणों में भी शिवरात्रि व्रत का जिक्र किया गया है। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन के उद्धार के लिए माता लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती तथा रति जैसी बहुत सी देवियों और रानियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। मासिक शिवरात्रि जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है और भगवान शिव की कृपा दृष्टि से उपासक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। अब सुने सभी 12 राशियों का राशिफल। मेष राशि, आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। यह आपके जन्म राशि से 8वीं राशि है और इस गोचर के दौरान यह विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्रों से होकर गुजरेगा। आज अपना मनोबल ऊंचा रखें और ऐसा कुछ भी न करें जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो। यदि आपकी माँ आपके साथ रहती है तो उनके साथ अपने संबंधों पर विशेष ध्यान दें और किसी भी तनाव को खत्म करने का प्रयास करें। यह नए निवेश के लिए या एक नई परियोजना शुरू करने के लिए अच्छा दिन नहीं है। आज आपको कोई नया खर्च करने या कोई महंगी चीज खरीदने से भी बचना चाहिए। कपड़े और चांदी से बनी चीजें खरीदने से बचें। संभव हो तो आज यात्रा पर न निकलें। अगर आपको बस यात्रा शुरू करनी है तो इसे शुरू करने से पहले यह यात्रा भगवान शिव को अर्पित करें और चावल, चीनी, दूध या सफेद कपड़े का दान करें। वृषभ राशि, आज आपका मन सांसारिक घटनाओं की ओर विशेष रूप से आकर्षित हो सकता है। इन परिस्थितियों में आपको अपने मन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न लालसाओं पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह आनंद लेने और खुश रहने का समय है। आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक मिलन से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा। आप एक नए व्यापार भागीदार, पुनर्विचार साझेदारी सौदों का चयन करने का विकल्प चुन सकते हैं। आपको आज भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आज सुनहरा रंग आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। मिथुन राशि, आज किसी भी प्रकार के तर्क या विवाद से बचें। सादा जीवन जिए और सभी महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रखें। हथियारों और गोला बारूद या कुछ भी तेज धार वाली वस्तुओं से दूर रहें। आपके शत्रु आज सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। अपने सामान विशेष रूप से अपने घर की देखभाल करें, क्योंकि चोरी होने की संभावना है। अपने डर को दूर करने की कोशिश करें। आप क्रोध, शराब, लालच, शारीरिक आकर्षण और सांसारिकता जैसे दोषों को दूर करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। कुछ नकारात्मक विचार आपको कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं। आज वित्त के मामलों में विशेष रूप से सावधान रहें। बीमारी के मामूली संदेह पर भी डॉक्टर से परामर्श करें। सुनहरे रंग से दूर रहें। कर्क राशि, सामान्य परिस्थितियों में यह दिन आपके ज्ञान को विकसित करने के लिए अनुकूल रहेगा। आप अपनी क्षमताओं के आधार पर शिक्षा और परीक्षाओं में लाभकारी परिणाम प्राप्त करेंगे। आप इस दिन को अपने परिवार और बच्चों की संगति में बिताएंगे। आज आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। आपके मित्र आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। आज जंक फूड का सेवन करने से बचें। अपने बच्चों के कल्याण पर उचित ध्यान दें
और उनकी पसंद के अनुसार उनके भविष्य की योजना बनाएं। गोल्डन कलर आज आपके लिए भाग्यशाली है। छात्रों के किए गए प्रयास आज सफल होंगे। सिंह राशि, आज अनावश्यक भयभीत न हो। आज के दिन को सरल तरीके से गुजारने का प्रयास करें। यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने या नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक अच्छा दिन है। यह दिन ऋण लेने या देने के लिए अनुकूल नहीं है। अंडरटेकिंग यात्रा, विशेष रूप से ड्राइविंग के माध्यम से उचित नहीं है। आज कुछ भी बड़ी शुरुआत न करें। विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। मानसिक अवसाद से पीड़ित होने पर आपको आराम करना चाहिए। चंद्रमा दुर्बल है और प्रभाव थोड़ा अधिक स्पष्ट हो सकता है। अपनी माता को प्रसन्न रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ताजे भोजन की आदतें डालें। कन्या राशि, आपकी राशि कन्या है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान यह शनि और शुक्र से संबंधित नक्षत्रों से होकर गुजरता है। आप इसके प्रभावों के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। इस दिन आपका मनभावन व्यक्तित्व रहेगा। लोग आपके गुणों के लिए प्रशंसा से भरे होंगे और आज आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। आप शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपके शत्रु दबे रहेंगे। आप किसी भी रोग से मुक्त रहेंगे। आप अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करते दिखाई देंगे। आप आज साहसी रहेंगे। सभी प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए यह एक अच्छा दिन है। नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए यह एक उपयुक्त समय है। यह दिन धन निवेश करने और ऋण देने या प्राप्त करने या यात्रा करने से संबंधित मामलों में भी अनुकूल साबित होगा। सुनहरा रंग आपके लिए आज भाग्यशाली रहेगा। यदि आज आपके कान में कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आज आपके लंबित कार्य या प्रोजेक्ट पूरे होने की पूरी संभावना है। तुला राशि, आज अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें। यदि आप भोजन करते हैं तो आप पेट की समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। आज आपको कोई पत्र, संदेश या किसी तरह का सकारात्मक संकेत मिल सकता है। अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना जारी रखें। आज अपने परिवार के साथ रहने का आनंद लें। कविता और गायन में अपनी रुचि स्थापित करने का यह एक अच्छा अवसर है। अपनी आँखों को ताजे पानी के साथ छिड़के और उन्हें अच्छी तरह से संरक्षित रखें। ऋण देने या लेने में शामिल न हो। आज आप यात्रा कर सकते हैं। आज आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी अन्य दिन नई परियोजनाओं की शुरुआत करें। आज भगवान कृष्ण की पूजा करें। वृश्चिक राशि, आपकी राशि वृश्चिक है। आज चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहा है। इस गोचर का प्रभाव अच्छा है। आपका मन भावुक रहने की संभावना है। आप इसे विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि लेखन, गायन, नाट्य शास्त्र, चित्रकला आदि में उपयोग कर सकते हैं। आज स्वयं को अफसोस करने या दोषी महसूस न करें। अपने बुरे गुणों को सुधारने का प्रयास करें। यह दिन आपके जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए सबसे अनुकूल है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और यदि संभव हो तो आज से ही व्यायाम करना शुरू कर दें। इस दिन आपको मित्रों की संगति का आनंद मिलेगा। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय प्रतीत होगा। धनु राशि, आपकी राशि धनु है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। आपको अपनी आँखों, पैरों, दिल और इसके आसपास के क्षेत्रों को नुकसान से बचाना चाहिए। नई परियोजनाओं को शुरू करने, यात्रा करने, ऋण सौदों,
वित्तीय निवेश आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने से बचें। अपनी चिंता पर नियंत्रण रखें और इसे दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा यह आपको लापरवाह होने की स्थिति में ले जा सकता है। लोग आपके खिलाफ खुले तौर पर या आपकी पीठ के पीछे बुराई करेंगे। आपको आज अपने विरोधियों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कमजोरी और जलन का अनुभव हो सकता है। यदि आप अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा आराम करना उचित होगा। आज ओवरस्लीपिंग से बचें। मकर राशि, आज आपको अनुकूल और लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। सुनहरा रंग आपके लिए आज अनुकूल रहेगा। आज आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। आज आपको जनता का सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने व्यक्तिगत गुणों और व्यक्तित्व के लिए सराहना मिलेगी। आपको अपने प्रेम जीवन में उत्साह और सफलता का अनुभव हो सकता है। यह दिन किसी भी निर्णय लेने, नई परियोजनाएं शुरू करने, संबंधित बिक्री और खरीद, वित्तीय निवेश, यात्रा शुरू करने आदि के लिए अनुकूल होगा। आपके पेशे से कुछ अन्य स्रोतों के माध्यम से आपको आय हो सकती है या आपकी आय में वृद्धि की संभावना है। अपने दोस्तों, विशेष रूप से उन लोगों को पहचाने जो आपके विरोधियों के लिए दुश्मन के रूप में कार्य करते हैं। आज आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। कुंभ राशि, आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह दिन आपके लिए विभिन्न सामाजिक और सांसारिक कार्यों में शामिल होने का है। लोग आपके सांसारिक अनुभव की प्रशंसा करेंगे और आपके गुणों की सराहना करेंगे। आप शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज आप विभिन्न कार्यों व व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें यात्रा करना, निर्णय लेना, नई परियोजनाएं शुरू करना, वित्तीय निवेश आदि शामिल हैं। आज अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ रोटी भूरी गाय को खिलाएं। आप अपने भाग्य, वर्तमान स्थिति और अपने अनुभव के आधार पर इस दिन दुख और सुख की मिश्रित भावना का अनुभव करेंगे। मीन राशि, आज आप जितना अधिक धार्मिक बनेंगे, यह दिन अधिक लाभकारी और अनुकूल परिणाम लाएगा। यद्यपि चंद्रमा इस दिन एक दुर्बल स्थिति में है, जिसके परिणाम प्रतिकूल हैं, फिर भी आप नक्षत्रों के अनुकूल पदों के कारण सफल रुझानों का अनुभव करेंगे। आज आप वित्तीय निवेश जैसे काम करना, यात्रा करना, आयात के फैसले लेना, नई परियोजनाओं की शुरुआत करना, बिक्री और खरीद से संबंधित सौदे करना जैसे काम चुन सकते हैं। यदि आप योजनाबद्ध और सावधानी पूर्वक वित्तीय लेनदेन करते हैं, तो यह आपके लिए लाभदायक होगा। पारिवारिक मामलों में आपको खुशी प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये रहा आपका आज का राशिफल। आपका दिन शुभ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।